बैंक में जमा करवाना है। तो दोस्तों पूरी प्रोसेस है वो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, उसके बाद में जो है वो आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो कल आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो है वो मैं लेकर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों 4 मिनट के आसपास मैं खुद की बता चुका हूँ, परंतु अब जो है वो मैं आपको सीधा मुख्यमंत्री जी की वीडियो पर ले चलता हूँ, जहाँ पर आप है वो आसानी से पूरी जो भी जानकारी है वो आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों सीधा आपको वीडियो पर ले चलता हूँ। एक बहुत कष्ट का दुख का एक वातावरण बना है, अभी तक सब व्यवस्थाएं ये आप लोगों के सामने मैं बताता रहा हूं कि हमारी कोविड महामारी का प्रभाव कितना हो गया है, कितने हमारे पेशेंट्स हैं, किस प्रकार से दूसरी वेव ये हमको प्रभावित कर रही है। पिछली बार मैंने कहा था कि इस महामारी का पीक ये 15 तारीख के आसपास ऐसा बताया जा रहा आएगा, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड इसका शुरू होगा। ये बात ठीक है कि 3 दिन से प्रदेश में केसेस, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, 1,16,000 के पीक पर जाने के बाद आज 1,07,000 एक्टिव केसेस प्रदेश में है, और मैं आशा करता हूं कि लगातार नीचे की तरफ ही जाएगा। व्यवस्थाएं हमारी चाहे हॉस्पिटल्स की, बेड्स की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, सब इस समय की आवश्यकता के हिसाब से पर्याप्त है। लेकिन आज तो मैं एक नई एक पीड़ा जो मेरे मन में बार बार उठती है वो आपसे साझा कर रहा हूं कि जिस भी परिवार का कोई सदस्य कोविड के कारण से चला जाता है वो हम सब के दुख का कारण बनता है, और उसमें हर प्रकार के परिवारों की स्थिति होती है। कुछ परिवार ऐसे भी रहते हैं कि उनके जाने का जो कष्ट है उसको झेलने में कई बार सक्षम होते हैं। परिवार की मानव स्थिति अच्छी है, जाने वाले की आयु 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष है, तो कम से कम परिवार की जो एक सिस्टम है वो आगे बिगड़ने की गुंजाइश कम होती है। हालांकि जो व्यक्ति गया है उसके प्रति हमारी सहानुभूति है, हमें खेद है, वेदना है, हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके बहुत यंग एज के व्यक्ति, खास करके जो परिवार में कमाने वाले लोग हैं, कम आयु के लोग हैं, ऐसे लोग भी चले जाते हैं। इससे पहले हमने एक स्कीम, उनके इलाज में सहायता हो जाए, ये तो जो बीपीएल के परिवार थे उनके लिए की थी कि कम से कम 7 दिन के लिए 5,000 रुपया प्रति दिन के हिसाब से उनको एक सहायता ये की गई थी, या जो एडमिशन नहीं लेते उनको एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता देने की बात कही थी। लेकिन आज मेरे मन में ये विचार आया है, जो मैंने अपने साथियों से विचार किया है, कि 18 वर्ष से लेकर और 50 वर्ष तक की आयु ऐसी होती है जब ये व्यक्ति चला जाता है तो उसमें परिवार को एक बड़ी यानी आगे के लिए संभालने के लिए भी कठिनाई आती है। तो ऐसे परिवारों की सहायता के लिए, और वो भी खास करके जो गरीब परिवार है, जो खास करके जैसे हमने एक लिमिट पहले परिवार पहचान पत्र में रखी हुई है कि जो 15,000 रुपये मासिक से भी कम कमाते हैं, तो ऐसे परिवारों की सहायता की जाए। उसके लिए वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष एक योजना लागू की थी, और उस योजना का नाम था, है अभी भी चल रही है, मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना, क्षमा करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में प्रावधान यह है कि 330 रुपये वार्षिक उस योजना में प्रीमियम देना होता है, और वो प्रीमियम जो बीमा करता है वो उस योजना में प्रीमियम देना होता है, और वो प्रीमियम जो बीमा करता है वो स्वयं देता है, हर वर्ष जनधन योजना अकाउंट के माध्यम से जाता है। 50 वर्ष तक की आयु का 2,00,000 रुपये का ये बीमा होता है। कुछ लोगों ने पिछले वर्ष इसकी सदस्यता ली है और बीमा कराया है, लेकिन बहुत कम मात्रा में कराया है। तो आज उस योजना को मैं इस रूप में रख रहा हूँ कि हरियाणा के जितने भी
खास करके बीपीएल के परिवार 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय, 15,000 रुपए महीने की आय, ऐसे परिवारों के लिए आज एक योजना लेके आए हैं कि वो सब बैंक में जाकर के अपना एक फॉर्म भरे और फॉर्म भर करके वहां दे दे। पहली किस्त का 330 रुपया उनके जनधन अकाउंट में जमा रहना चाहिए। पहली बार की किस्त अब वो जिस दिन भी बीमा करने वाली कंपनी यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो जिस दिन भी उसको लागू करेगी 31 मार्च से पहले पहले वो लागू हो जाएगी, वो बैंक से पैसा ले लेंगे। उस पैसे को इस महीने की जो पहली किस्त होगी उसको तुरंत हम रीइंबर्स करेंगे, जाएगा उनके खाते में से, लेकिन उसके खाते में ही हम रीइंबर्स करेंगे और आगे लगातार 50 वर्ष तक की आयु तक वो पैसा सरकार अपने पास से देगी, ताकि किसी भी कारण से, बीमारी से, कोविड से, दुर्घटना से, किसी भी कारण से व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपये उसको तुरंत मिल जाए। तो ये 2 लाख रुपये का प्रीमियम हर साल का ये सरकार भरेगी, इसकी योजना आज हम घोषित कर रहे हैं। अब ये संख्या अभी अनुमान से ही कह सकते हैं कि 18 वर्ष से 50 वर्ष तक कुल ये संख्या जाकर के 50 लाख से ऊपर बैठेगी जो बीपीएल के परिवार हैं। तो ऐसे सब 50 लाख परिवारों का आज से ये बीमा की राशि सरकार देगी और उनको 2 लाख रुपए की राशि इस किसी भी कारण से मृत्यु होती तो उनको मिलेगी। अब प्रश्न ये होता है कि जो अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं, तो हमने विचार किया है कि इस वर्ष की जो दूसरी लहर है ये मार्च में शुरू हुई थी, तो 1 मार्च से लेकर और इस समय ये फॉर्म भरने के दिन चल रहे हैं 31 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 31 मई तक जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से उसने फॉर्म नहीं भरा होगा, ऐसे सब परिवारों के, ऐसे सब सदस्यों को अगर कोविड के कारण से वो हमारे बीच में नहीं रहे तो उनको 2 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सहायता गरीब परिवारों की 2 लाख रुपये के हिसाब से, ऐसे अभी तक लगभग 800 से 900 के बीच में ऐसी मृत्यु हुई है। भगवान न करे ऐसे आगे किसी की डेथ हो, लेकिन फिर भी 31 मई से पहले या तो वो फॉर्म भर देंगे, इंश्योर हो जाएंगे, उनको कंपनी की ओर से 2 लाख मिल जाएगा, उसकी राशि सरकार देगी। किसी कारण से 31 मई तक भी वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो वो 2 लाख रुपए सरकार अपनी ओर से देगी। इस योजना का 31 मई के बाद जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको पैसा कंपनी की ओर से मिलेगा, लेकिन हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि हर व्यक्ति 18 वर्ष से 50 वर्ष तक का ये फॉर्म अवश्य भर दे जाकर के बैंक में दे आए। बहुत सरल फॉर्म है, बैंक में देने से वो 330 रुपया हर साल ये सरकार उसमें से पे करेगी। एक योजना ये हमने बतानी थी क्योंकि मेरा मानना